साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों भाई, आज बात करेंगे कतर से रिलेटेड। कतर की क्या अपडेट है कोरोना से रिलेटेड, वहां पे क्या माहौल चल रहा है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, एक वीडियो मैंने पहले डाला था उस पर भी काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो कतर से रिलेटेड हम बात करेंगे पूरी जानकारी के लिए। इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको अच्छी अच्छी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। कतर में अभी कोरोना के हालात क्या हैं? तो कोरोना के हालात दूसरी कंट्रियों के बजाय बेहतर हैं। अभी 4,500 प्लस वहाँ पर अभी तक पॉजिटिव केस पाए गए हैं कोरोना से रिलेटेड, जिसमें से 7 के लगभग अभी डेथ हुई हैं। तो डेथ रेशियो भी बहुत अच्छा है वहाँ पे, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो 450 से प्लस रिकवर बंदे अभी तक हो चुके हैं कोरोना से लिए। तो साथियों ये तो थी कोरोना से रिलेटेड अपडेट। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ने वहाँ पे कर्मचारियों के लिए, जो वर्कर है फॉरनर वर्कर है, उनके लिए क्या सहूलियत की है, क्या की है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे साथियों। दूसरी बड़ी अपडेट साथियों है कि कतर गवर्नमेंट ने भी इंडिया की तरह लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 16 अप्रैल से उसको 2 हफ्तों के लिए लागू कर दिया गया है, यानी 27-28 तारीख तक ये लागू रहेगा। आगे कंडीशन करेगा इसको कि वहीं स्टॉप करें या फिर आगे बढ़ाने की अगर मजबूरी हुई, केस इसी तरह से बढ़े, अगर कम डाउन होते रहेंगे तो नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ते रहेंगे केस तो फिर तय बात है कि लॉकडाउन आगे भी जा सकता है लंबे समय के लिए। आगे हम बात करते हैं साथियों वर्कर्स के लिए अभी तक क्या कंडीशन है। देखिए वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट ने भाई साफ साफ बोला है, कतरी गवर्नमेंट ने, कि एक वर्कर को 5 से 6 घंटे ही काम करवाया जाए, जबकि सैलरी उनको पूरी 8 घंटे की दी जाए। ये वहाँ की गवर्नमेंट ने अभी बोला है कंपनियों के लिए। और उसमें भी होगा क्या, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक का वहाँ पे टाइम दिया गया है, इसी दौरान इनको काम किया जाए, वो भी सोशल डिस्टेंस के माध्यम से। क्योंकि मान लीजिए एक बस में 100-150 लोग जाते हैं, वर्कर भर के जाते हैं, तो भाई कोरोना के फिर तो आपको पता ही है कि ज़्यादा बढ़ने के चांसेस, तो इसका मतलब ये है कि एक सीट पर एक ही कारीगर बैठेगा, एक ही वर्कर बैठेगा। जैसे 50 बस में 50 बैठते हैं तो उसमें देख लीजिए कितनी सीट है, उतने ही बंदे बैठ पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बीच के जो रास्ता अपना के उसके माध्यम से ही आपको काम पर लेके जाएगी कंपनी। ये कंपनी की जिम्मेदारी होगी, भीड़ बढ़ाकर नहीं कर सकती। कतर में भाई अभी काम चल रहा है, पहले गवर्नमेंट ने बोला था कि कई जगह लॉकडाउन हो गया था, काम स्टॉप कर दिया गया था, लेकिन अभी की हालात में कतर में बहुत सारी जगह काम चल रहा है। कोई जो जगह ऐसा हो सकता है, एक दो जहां पे लगता है कि भाई यहां पे ज़्यादा है तो वहां पे ज़रूर बंद हो सकता है, बाकी लगभग कतर में अभी कंपनियों में काम चल रहा है, वर्कर काम पर जा रहे हैं। एक न्यूज़ आई थी कंपनी गवर्नमेंट की तरफ से, बोला गया था कि भाई अगर लॉकडाउन स्थिति ख़राब हो जाती है तो वर्करों को बैठे बैठे सैलरी देनी पड़ सकती है, लेकिन वो कैंसिल हो गई है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्थिति ठीक है, वर्कर काम पे जा रहे हैं, तो भाई बैठे बैठे सैलरी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो वर्कर जा रहे हैं उनको काम करवाने, ठीक है 8 घंटे की जगह 5-6 घंटे काम कर दिया गया है कि भाई जो वर्कर 5 घंटे काम कर रहा है उसको पूरी 8 घंटे की सैलरी कंपनी की तरफ से मिलेगी। तीसरे अपडेट साथियों वीज़ा से रिलेटेड हैं। बहुत सारे लोग इंडिया में आए हैं, छुट्टी आए हैं, जो लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाए, उनकी मजबूरी थी, लेकिन भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जब भी लॉकडाउन ओपन होगा, सिस्टम पूरा दोबारा से रिस्टार्ट होगा, तो आपका उसी वीज़ा में आपको आप जा सकते हो। ये गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी बनाई, लगभग गवर्नमेंट ने बना चुकी है काफ़ी सारी, अगर गवर्नमेंट नहीं बनी है, अभी कतर की तरफ से ऐसा कोई अलाउंस नहीं है, लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि लगभग कंट्रियों ने ऐसे रूल निकाले तो भाई कतर अलग से नहीं होगा, वो भी हर वर्कर के हित में सोचता है, क्योंकि उनकी मजबूरी रही है आप लोगों की, इस वजह से आप नहीं जा पा रहे हो। तो वीज़ा जिनका कैंसिल हो रहा है, जो छुट्टी आए बैठे हैं या फिर नया वीज़ा ले लिया, तो उसी वीज़ा में आप कतर पहुँच जाओगे बिना किसी डर के, ठीक है साथियों। 5 नंबर पॉइंट पर बात करते हैं साथियों टिकट। आजकल बहुत ज़्यादा रोड़ा पड़ रहा है टिकट के बारे में, जितने कहीं सोशल मीडिया पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, व्हाट्सअप पे, टिकट कब बनेगी, फ्लाइटें कब चालू होगी। तो मेरे भाई, जब इंडिया गवर्नमेंट ने 3 तारीख तक लॉकडाउन फाइनल कर दिया तो टिकटों का तो मैटरी ख़त्म हो गया यार। लेकिन ये कुछ एजेंट्स हैं जो इंडिया के अलावा पाकिस्तानी एजेंट हैं जो ये रोला ज़्यादा पा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है भाई, कुछ भी सच्चाई नहीं है। टिकट की तो भूल जाओ, टिकट जो बंदा जहाँ है जिस भी हालत में है उसको वहीं पे रहना पड़ेगा, वो मजबूरी है। 3 तारीख तक तो इंडिया में लॉकडाउन है, ये तय बात है, तो टिकट का कोई चक्कर नहीं रहेगा इसमें, टिकट का तो बात ही आप करना ही छोड़ दो। आगे अपडेट ये कि साथियों अभी कतर गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि भाई कंपनियों में जो वर्कर ऑफिस में जाके काम करते थे
उसमें से मात्र 80% लोग घर पे बैठेंगे, 20% लोग ही ऑफिस जाएंगे। जिनको जो ऑफिस में जाना ज़रूरी है, जो काम ऑफिस के जाए बिना नहीं हो सकता, वो 20% लोग ऑफिस में जाएंगे। उसमें भी लगभग 35 साल तक के ही यंग जो जनरेशन है वो ही ऑफिस में जाएगी। बाकी 80% लोग हैं उनको घर पे बैठ के ही वो काम करेंगे, ऑनलाइन है जो भी उनका व्यवस्था होगी उसके हिसाब से। तो साथियों, कतर से रिलेटेड ये छोटी मोटी मेरे पास अपडेट थी, मैंने आप लोगों को दे दी। घबराने की ज़्यादा ज़रूरत आपको मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी होगा अच्छा गवर्नमेंट जो करती है वो अच्छे के लिए करती है। थोड़ी बहुत परेशानी है उसको भोगना पड़ेगा सब लोगों को, ये सब लोगों के साथ है, पूरे वर्ल्ड में है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हर रोज़ आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मैं वीडियो के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।